और लाइट भी आई है बहुत एकदम, हाँ पता ही नहीं लग रहा कि शूज डाले। पाँच छह साल से रोपड़ में खाना खा रहे हैं, आज रोपड़ पे आज फन फ्राइडे हो गया। उसी जगह से जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब पैसे देंगे। सुबह सुबह आया था, भूख लग रही थी, नाश्ता बनाना था, सोच रहा था कि वो ब्रेड पिज्जा टाइप के होते ना वो बना लूं, बट फिर एंड में ये बनाया है। अब ये क्या चीज है, इस वाले कंटेनर में हमारे घर में यूजुअली पड़ा होता है सूजी, पर सूजी थी नहीं, तब तक मैं दही डाल चुका था। मैंने यहाँ पे सारी चीजें सजा ली थी, इस कुरकुरे को इग्नोर करिएगा, सारी चीजें सजा ली थी, नमकीन, ब्रेड पिज्जा बनाने की पूरी तैयारी थी, बेस पूरा ले लिया था, दही ले लिया था, फिर देखा सूजी नहीं है। अब वो बेसन के साथ ब्रेड पिज्जा का मजा नहीं आता, फिर मैंने निकाले ओट्स, मैंने सोचा ओट्स ब्रेड पिज्जा बनाता हूँ, बट फिर साथ में पड़ा हुआ था इस वाली मिक्सी में जिसमें ओट्स हम लोगों को पीसने थे, उसके अंदर थोड़ा सा ठंडाई मसाला पड़ा हुआ था, वो जो दूध का मसाला बनाया था ना वो ड्राई मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उस ड्राई वाले मसाले को भी यूज़ कर लेते, तो वो मसाला और ओट्स। अब आप सोच रहे हो कहाँ जा रही है कहानी, अब वो मसाले में ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ था, तो वो थोड़ा मीठे टच में था, थोड़ा सा मसाला लिया, थोड़ी सी इसमें इलायची उलायची डाली, थोड़ी एक आध चीज़ और डाली, और देसी घी और डाल डूल के ये चीज़ बना दी, जैसे होता है ना अंग्रेज़ों का पैनकेक होता है, ये हमारा देसी हेल्दी पैनकेक हो गया। इसको फ्लिप करेंगे, टूटियो मत भाई, बस देखने में तो काफी कमाल का लग रहा है, बाकी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कैसा है। बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर से पक चुका है, खुशबू दालचीनी की बहुत बढ़िया। कुछ टॉपिंग्स चाहिए होगी जैसे ब्लूबेरी या फिर हनी या ब्लूबेरी, दोनों चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं। बढ़िया चीज बना दी गलती गलती में। सारा का सारा खाना मैंने कल घर पे खाया है, और भाई ने सेव पूरी जबरदस्ती मेरे को खिलाई है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। गायन गलत बात है, उसको बिल्कुल खाने का शौक नहीं, तुम क्यों उसे जबरदस्ती करते हो? मैं अभी खा रहा होगा ना, मैं उठा के साइड में रख देती हूँ, पैक कर ही लेऊंगा मैं। गलत बात है, वो उसका उसको अच्छा नहीं लगता ज्यादा खाना, वो इतना ध्यान रखता है, इतना डाइट कॉन्शियस है, क्यों खिलाते हो उसे जबरदस्ती? रिकॉर्ड करूंगा बल्कि ये कभी नया इंडस्ट्री है क्या इनका है गोरन फोर जब अच्छा फोर है सर कौन सा फ्रैंकी स्पीकिंग जो ग्रीन वाला एडिडास था ना उससे बेटर है ये भी और दिखाएंगे ये वाला आपको ठीक लगा हाँ ये ब्राउन है ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग एयर कूल्ड होती है इनकी इनका प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कौन सी है जैसे बूस्ट होता है वेपर होता है जैसे आपके पैर होते हैं ना पैर कुछ लोगों के सीधे होते हैं कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कुछ लोगों के पैर ऐसे होते हैं तो दे हैव शूज विद रिस्पेक्ट टू दैट अच्छा आपका पैर का एंगल कैसा है सोल का नहीं है पैर का एंगल का वो है नहीं सोल भी इनका होता है अच्छा होता है ये रनिंग सोल वगैरह इनके होते हैं नहीं कोई ऐसा इनका ना बड़े अजीब अजीब से प्रो मैक्स 7 प्रो मैक्स 4 भी यूज कर रखा है थोड़ा मेमोरी फोम भी यूज कर रखा है एयर इज बेसिकली अपर के लिए जैसे तुम्हारा वो दिखाता हूं ये एयर सोल में भी है कंफ्यूजिंग पूरा मेरा ऐसा लग रहा है कि चिपक रहा है पकड़ के चलता हां और लाइट भी है ये एकदम हां पता ही नहीं लग रहा कि शूज डाल रहे हैं वेरी लाइट पहली जगह देखी अभी दो और देखनी है आज दिलवा के ही रहेंगे बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे यार मैंने अभी तो लिया है यार ये आपका टेस्ट है स्पोर्ट्स में करोगे तो खराब हो जाएगा मैं रोज धोऊंगा ना इनको रोज मैं धोऊंगा इनको आइडियास वाली बोलेंगे प्रॉब्लम इस करो रोज धोऊंगा ये रेंज भी वही होगी।
तीसरी जगह पे फाइनल कर ही लेंगे कि कौन सा लेना है। तो करना भी चाहिए। तो बहुत ज्यादा हो गया। आप देख लो कुछ, आपके तो जूते ही सबसे फैंसी है। आपके और मेरे सेम जूते हैं पता है, ऑलमोस्ट आप ले लो एक ग्लास। सब बूस्ट बूस्ट हो जाएंगे। मुझे बूस्ट उतना पापा ये कंफर्टेबल है बेटा, मेरा पन्ने आगे से थोड़ा मुझे। कैसा लगा आपको? मेरे को समझा नाइकी और एडिडास से सैमसंग और एप्पल। नाइकी सैमसंग है। इट्स नॉट, वी कैन नॉट कंपेयर। इसमें ना अलग बहुत थोड़ा पैरेलल्स है कंपैरिजन के। मेरे को अपनी भाषा में इन माय हंबल ओपिनियन ये समझ आया। नंबर किसी में भी नहीं है। वो आते थे अल्फा वाले, वो तो आई नहीं थे। ये होगा गैलेक्सी रन होगा, ये होगा बूस्ट में किसी में भी नौ नंबर। अरे यार भाई के साथ जूते लेना मतलब, अब वो आपके एडिडास में नौ नंबर ही गायब था सारा। नहीं नौ नंबर नहीं, वो पता नहीं कितने दिखा मेरे को फ्रैंकली। मुझे ब्रांड से मतलब नहीं, एडिडास आई लाइक बट, लेकिन एडिडास नाइकी स्केचर सब देख लिया हम लोगों ने। जो मुझे ये शूज डाल के कम्फर्ट मिल रहा है ना, किसी और में नहीं। मुझे कम्फर्ट से मतलब है यार। वेरी गुड। देखो साइड प्रोफाइल दिखाओ थोड़ा, अच्छा हो गया। हाँ जी एकदम बढ़िया जूते हैं जी। जूतों का नंबर जो दी 1 से 10 में से मेरा तो 10 out of 10 इन कंफर्ट। चलो एंड कलर भी ठीक है। जनता बताएगी ना देखने में कैसा लग रहा है। हाँ पत्थरों से निकल के जा रहे हो ताकि कंफर्ट दिखे। आराम से चलो आराम से। ओ बड़े भाजी ले लिया जूता। ले लिया फाइनली। फाइनली जूता ले लिया। एकदम स्लिप ऑन है और इतने लाइट है ना कि लग ही नहीं रहा कि मैंने शूज डाले हुए हैं। और सोल मोटे का मोटा है, ये मेरे हश पप्पी से ज्यादा कंफर्टेबल है। सौ बातों की एक बात, ब्रांड ब्रूंड आपके यही सब करने के लिए होते हैं कि चीज अच्छी मिल जाए। जिस ब्रांड का मिल गया वो पहन लो। नहीं भाई नहीं बोला। बंदा ब्रांडेड पहनता क्यों है? क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि इसका सामान अच्छा होगा। हेलो, खाना खाने आ गया। आज पहली बार मम्मी पापा को रोपड़ में खिलाने लेके आया, वरना गरीब बहुत है। कितना 5-6 साल से ज़्यादा ही खाए। 5-6 साल से रोपड़ में खाना खा रहे हैं। पहली बार आज रोपड़ पे खाना खाने आए। पहली बार देख लिया आपने रोपड़ आज? पहली बार रोपड़ से खाना खा रहे हैं आज। आज रोपड़ से खाना खा रहे हैं। आज के मेन्यू में है छोले रोपड़ के, जो आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आप ब्लॉग्स वगैरह देखते हो। दाल, सरसों का साग, सीजन फर्स्ट मम्मी पापा के लिए। आप लोगों के लिए सीजन फर्स्ट है ना। सब लोगों को लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त वाली भूख। कैसा है खाना? बढ़िया मज़ेदार। बड़े भाजी ऐसे नहीं खाते, प्लेट में डाल के खाते हैं। है बड़े भाजी काम छोटों वाले करते हैं। कैसा खाना? साग मक्की की रोटी। घर में बनाने का भी टाइम नहीं आया ना, थोड़ा और सर्दी ड्रॉप होने दो थोड़ी। स्पाइसी खाना है, चटपटा एकदम बढ़िया मज़ेदार और एकदम करारी करारी रोटी। ये रोटी जली नहीं है, ये है, ये हमने जलवाई है। हाँ करारी करवाई है। रफ टफ मिलती है। उद्घाटन हो गया इसका। अच्छा ठीक है, अब सफेद पहनेंगे तो दाग तो लगेंगे। क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, मशीन अब आगे से कम रोती है। और ये आजकल ये सर्दियों में ढाबों पे खाने पे जो गुड़ मिलता है ना, उसका मजा इस मैचलेस। ठंडी ठंडी हवा में, खुला खुला मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा मौसम, ऊपर से देख कल रात से फॉग पड़नी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। यस यस। और ये यहाँ पे खुले में आके खाने का, हल्की हल्की सी ठंड सी लग रही है, निग्गा निग्गा ऐसे निग्गा सी ठंड सी में मजा आता है। और ऊपर से आगे गरम गरम खाने में ढाबे का मजा अलग है। कहाँ ले गए बड़े पाजी? जगह बना रहे। I will close the door for you. अब चाचू पिला दो चाचू। उस दिन बोल रहे थे ना चाय नहीं पिलाते। एक तो मेरी उस दिन की चाय ड्यू थी। ये आपकी चाय। लवा जी चाय, ये मेरे गांड चाय। चीयर्स चाय। चीयर्स चाय। चीयर्स। पकड़ लिया। आगे वाले आगे करो, पीछे वाले पीछे। पीछे वाले पीछे करेंगे, आगे वाले आगे। ये जो इनकी कंप्लेंट थी ना, हमें नहीं चाय पिलाते कहते पीते, आज हमने वो लाना भी इनका कंप्लीट कर दिया कि पापा और पिकू इधर आके पीते हैं, हमें नहीं पिलाते। आज हम साथ ही ले आए हैं, आज भी तुम भी पी लो। गाड़ी के शीशे पे बिल्कुल फॉग, तो मजा आ रहा है पीने में। अदरक का स्वाद आ रहा मस्त वाला। आज फन फ्राइडे हो गया। TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। फॉग आ रही है। हाँ सामने देखो ना शीशे, सामने भी शीशे पे दिखाओ ना। चलो एंजॉय करो। चलो एंजॉय। उनको ऐसे ठीक लगता है बिना कुल्हड़ के? हाँ। कुल्हड़ गर्म हो जाता है ना, थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है उसको।
गाइस जस्ट अभी अभी हम लोगों ने वेजी पाजी के लिए शूट करा है और यहाँ पे बड़े पाजी कुछ कुछ देखते हुए कैसा रहा आपका दिन आज का? बड़े पाजी ये शूट बट आज कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हुआ है क्या हुआ है कभी कभार हो जाता है दोस्तों टेक्नोलॉजी के जलवे दिखाना बंद करो सालों के केस की बात करो बचपन में सीआईडी वो यार मैंने कमेंट्स में पूछा भी था लोगों से आपको याद है वो सीरियल आता था टाइम टाइम फिश हाँ हाँ क्या नाम था उसका अनुपम करके एक लड़का होता था वो करता था होस्ट वो खुलजा सिमसिम वाला खुलजा सिमसिम मुझे नहीं याद आ रहा था लोगों ने कमेंट करा वो तीन डोर्स होते थे उसके पीछे प्राइस होता यार बड़े पाजी आप तो काफी अमीर हो यार मतलब स्टारबक्स वाली महंगी वाली कॉफी पी रहे हो कम से कम एक रील ही डाल दो कम से कम एक रील ही डाल दो बड़े पाजी इंस्टाग्राम पे जब से तूने बोला ना इतने मैसेज आ गए मुझे तब बड़े पाजी कम से कम एक रील अच्छा भी लग रहा है सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं तो पढ़ भी नहीं पाए इतने सारे मैसेजेस तो बड़े पाजी रील डाल दो जोश आ गया हाँ जोश आ गया स्टारबक्स की कॉफी स्टोरी डाल दो आज स्टोरी डाल दो स्टारबक्स स्वैग ऐसे डाल दो स्टोरी डाल दो बड़े पाजी पे ये स्टोरी डाल के सोना आज ठीक है चलो बड़े पाजी वेरी गुड गुड नाइट प्लीज ओके बाय गुड नाइट क्या क्या नहीं लेना व्लॉग में ओ मेरे प्रभु एक तो वैसे दुनिया बोलेगी कॉफी को गर्म नहीं करते इतनी महंगी कॉफी 350 रुपए थी 350 रुपए की कॉफी थी यार वो तुमने बातों में लगा दिया ना भाई 350 रुपए की तो कॉफी है उससे महंगी ये प्लेट है ये प्लेट कभी मार्केट में मिलती भी नहीं है बहुत ध्यान से कर रहा हूं। बड़े पाजी बड़े आराम से बड़े बहुत ही ध्यान से अरे डालो क्लाइमेक्स क्या कर रहे हो बिग बॉस का विनर थोड़ी आ रहा है बच गए अब ये देख लो डेली बेसिस पे बड़े पाजी क्या क्या करते रहते इसकी भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाल सकते थे आप एक ग्रीन वाला होता है ना जो झावे में इंडस्ट्री लीडर स्क्रॉच ब्राइट चलिए बड़े भाजी कोई नहीं सब कुछ व्लॉग है भाई सब कुछ एवरीथिंग सुबह से शाम सब व्लॉग है दोस्तों आज दोस्तों सोचा था नई वाली ये जैकेट पहनूंगा यार ये जैकेट में ना यार भाई वो क्या वर्ड होता है वो बुरबुर पता नहीं ये जैकेट में से अंदर बुरबुर सी निकल रही है सोचा था नई वाली जैकेट पहन के घूमूंगा बढ़िया जैकेट थी बट ये उद्घाटन होगा मम्मा ये साफ हो जाएगी इजी यूजी डाल के क्लॉथ ब्रश होता है ना इजी उजी डाल के साफ सूफ हो जाएगी पता नहीं देखो इजी तो हमारे घर में है उजी नहीं है ना क्या मटेरियल है ये अंदर से एडिडास की जैकेट और किसी सी शर्ट सारी की सारी गड़बड़ हो गई व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे